हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ट्रिपल सी स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये ट्रिपल सी के लिए मैंने बनाया हुआ है। ये वीडियो में आपको कंप्लीट ट्रिपल सी के सिलेबस से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फुल नेम्स हैं वो मैंने इसमें कवर किया हुआ है, जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप जरूर देख लें, क्योंकि यदि आप इसको देख ले रहे हैं तो कम से कम 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कह सकते हैं ये ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो फुल नेम्स हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं। और कंप्लीट टॉपिक से देखा जाए, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका डिजिटल फाइनेंस हो, फ्यूचर स्किल हो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कहने का मतलब कंप्लीट पूरे सिलेबस से, ट्रिपल सी के पूरे सिलेबस से कवर किया गया। और ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जो बेसिक का कंप्लीट कोर्स है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल नेम्स हैं। तो इसको आप जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको कंप्लीट फुल नेम्स का नॉलेज हो पाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यदि आप इसे शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाएगा और उनको अपना 10 नंबर्स कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल नेम्स को देखते हैं। हाय एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, इम्पॉर्टेंट ही नहीं, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म कह सकते हैं, बिकॉज ये जो फुल नेम हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो ट्रिपल सी के कंप्लीट सिलेबस से है। कहने का मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेब ब्राउजर, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, कहने का मतलब कंप्लीट सिलेबस से है। तो यदि ये वीडियो आप पूरा देख ले रहे हैं तो ट्रिपल सी में आपके 10 नंबर्स फिक्स हो जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल नेम कौन से हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट किए जा रहे हैं। हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फुल नेम्स है आपके। फर्स्ट है IPO, IPO मीन्स इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट, MU, मेमोरी यूनिट, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि आपको एक फुल नेम आ रहा है तो इसमें से एक कैरेक्टर भी पूछ लिया जाता है, इसका क्या मतलब है? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, CRT, कैथोड रे ट्यूब। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताता बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फुल नेम्स हमने कवर किए हैं जो आपके पूरे सिलेबस के लिए, पूरी ट्रिपल सी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लास्ट देखें और आप चाहेंगे तो वीडियोस को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारी तैयारी आप कर सकते हैं। BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, CRT, कैथोड रे ट्यूब, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये मॉनिटर्स के प्रकार हैं, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। आप इसे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो तैयारी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसी टॉपिक से है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, BGA, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को बोला जाता है, और VGA बोला जाता है जिससे हम मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करते हैं उस एडाप्टर को, BCR, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं या रीडर बोलते हैं,
दोनों में से यदि कुछ भी आता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार आपके। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का एग्जांपल आपका DOS है, GUI का एग्जांपल आपका विंडोज, लिनक्स, ये सब है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS से सब परिचित है। एक टैक्सेस भी होता है, टैली में पढ़ाता हूँ, उसमें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, बट यहाँ आपका TCS अगर पूछा जा रहा है CCC में तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होगा। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसमें कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। DPI डॉट पर इंच, ये प्रिंटर के लिए है। POSI पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल होते हैं, हम केवल आपको फुल नेम्स ही बताते जा रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा फुल नेम्स हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ODF ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये लिब्रे का यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTPS HTTP भी होता है और S भी होता है। HTTP का होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S ऐड हो गया तो सिक्योर, ये अगर आपका प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो आपका हैक होने से बचता है। ये आपके साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक में भी इसका डिटेल में आपको बताया गया हुआ है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक ऐसा वर्ड है इंटरनेट के लिए जो उसकी तकनीकी को, उसके डेटा ट्रांसमिशन को व्यक्त करता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। DNS डोमेन नेम सिस्टम, कहीं कहीं डोमेन नेम सर्वर भी होता है लिखा मिल जाता है, तो डोमेन नेम सिस्टम। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड होता है जो 0 से लेकर के 255 कैरेक्टर्स तक यूज किए जाते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MBPS जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है। KBPS MBPS KBMB क्या है आपका एक यूनिट है, मेगाबाइट किलोबाइट गीगाबाइट है ना, तो मेगाबाइट पर सेकेंड। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन के लिए है। Wi-Fi वायरलेस फिडेलिटी। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। GPRS जनरल पैकेट फॉर रेडियो सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन से ही है। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। NPI नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस। CTCP क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ASP एक्टिव सर्वर पेज। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क कार्ड को कहते हैं, और अगर इसे वेबसाइट के साथ जोड़ा जाता है तो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WANs वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विसेज। एक VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSDN पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क। TFTP ये डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफर करने के लिए होता है। और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिसीव करने के लिए होता है, डाउनलोड करने के लिए होता है। IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिससे आपका मेल एक्सेस होता है अलग अलग डिवाइसेस पर, उसका जो प्रोटोकॉल होता है IMAP होता है। इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादातर आपके फुल फॉर्म आते हैं या इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये फुल फॉर्म्स आप, केवल फुल फॉर्म आएगा तभी इसको कवर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि आप 10 नंबर कवर कर सकते हो। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ARP
एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, न्यूज नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सीसी कार्बन कॉपी, अपने मेल की कार्बन कॉपी के लिए आप सीसी में भी जो मेल आईडी डालते हैं वहां इसकी कार्बन कॉपी जाती है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ई आई एम ई आई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये जो नंबर होता है मोबाइल के सिम का एड्रेस होता है, एक तरीके से मोबाइल को अगर आप उसका एरिया ट्रैक करना चाहते हैं तो IMEI नंबर बहुत जरूरी है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, VPN अभी मैंने बताया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, P2P का मीन्स होता है पीयर टू पीयर जो आपका लेंस में होता है, ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अगर इसमें ARPA नेट लिखा हुआ है तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोलेंगे, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल SIM का फुल फॉर्म है, STP शील्डेड टू स्टेट पेयर केबल, अनशील्डेड टू स्टेट पेयर केबल। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फ्यूचर स्किल साइबर सिक्योरिटी पर आ जाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं VIM, ये बहुत ही UPI के लिए भीम एक गवर्नमेंट का ऐप है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, OTP वन टाइम पासवर्ड, इन सब नेम से आप परिचित होंगे पहले से, क्योंकि डिजिटल इंडिया है और आज के टाइम में डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ही यूज किया जा रहा है, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। QR क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स के लिए क्विक QR कोड को स्कैन किया जाता है, QR क्विक रिस्पॉन्स कोड। MPIN मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ATM ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, TSP टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, COD कैश ऑन डिलीवरी, POD एंड COD पे ऑन डिलीवरी एंड कैश ऑन डिलीवरी, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो CSP वाले होते हैं वो आधार से ही पेमेंट करते हैं, तो ये AEPS यूज करते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, KYC नो योर कस्टमर, EBT इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, डिजिटल फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी से ये भी है, उमंग ऐप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देखिए इसमें एक एक कैरेक्टर का मीन पूछ लिया जाता है, तो यदि आपको फुल नेम आ रहा होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसलिए वीडियो को आप कई बार रिपीट करके देख ले। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IFSC इसे सब जानते होंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो सबके लिए जरूरी है, CCC के सिलेबस पर जरूर है बट ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। QSAM क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, POS पॉइंट ऑफ सेल्स, इसका यूज मॉल वगैरह में बहुत ज्यादा किया जाता है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आज के टाइम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, IaaS IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, SaaS SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, VR वर्चुअल रियलिटी, AR या VR बोलते हैं ऑगुमेटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में अपने बहुत कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो पिछली वीडियोस आप मेरी जरूर देख लें। AI एक इम्पॉर्टेंट है, 5th जनरेशन का एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक बनावटी दिमाग कंप्यूटर को मिल जाता है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता आ जाती है उसके पास जिससे वो सारे काम को आपको उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे और सारा काम वो खुद करेगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, UTR यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, RPA रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, आज के टाइम में रोबोटिक बहुत हो गया है, हर जगह रोबोट का यूज देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़े फर्म में विदेशों में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है।
रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, कहने का मतलब जो चीज स्वचालित हो लगभग रोबोटिक प्रोसेस में मान लिया जाता है। ATS ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो आपने देखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो ट्रिपल सी के लिए तो जरूरी है, एग्जाम से पहले इसको आप जरूर देख लें, बिकॉज इसे आप देख लेते हो तो आपका नंबर्स आपके लिए फिक्स हो जाते हैं और सबके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें आप, बिकॉज सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।